वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मोहसिन आलिया से शादी करके उसे झूठ बोलकर सीरिया ले गया और उसकी पूरी फैमिली ने आइसिस ज्वाइन कर ली। अपनी बेटी को वापस पाने के चक्कर में उसके बाप ने भी कई लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। फिर ये खबर अपने दोस्त तक पहुंचाने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। फिर जब ये खबर उसके दोस्त अविनाश को पता चली तो उसने इस केस में एंट्री ली। इस वेब सीरीज के टोटल 7 एपिसोड हैं, जिसमें से 4 एपिसोड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं और बाकी के एपिसोड अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। इस वेब सीरीज में आपको हॉलीवुड मूवीज जैसा मजा आने वाला है, तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब मोहसिन के बड़े भाई खालिद और उसकी वाइफ असर ने खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया तो ये मंजर देखकर आलिया की रूह कांप गई थी। मोहसिन उसे समझाता है कि ये काम तो हमें करना था, लेकिन अभी तुम्हारा ईमान जागा नहीं था, इसलिए बड़े भाई ने कुर्बानी दी। अपने ईमान को जगाओ आलिया। दूसरी तरफ जब अविनाश जॉगिंग कर रहा था, तब जिन लोगों ने उसकी सुपारी ली थी वे उसे मारने का प्लान बनाते हैं। उसे मारने के लिए 3 लोग आए थे जो अलग अलग जगह से घात लगाकर बैठे थे, लेकिन अविनाश भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसको सब पता था कौन किसका पीछा कर रहा है। फिर अविनाश एक पतली गली में जाकर छिप जाता है और जब किलर उसे मारने जाता है तो वो किलर को मिलता ही नहीं। फिर वे किलर उसे आगे जाकर पकड़ लेते हैं। फिर दूसरा किलर जब अविनाश पर गोली चलाता है तो अविनाश उसके ही साथी को आगे कर देता है और वो गोली उसे लग जाती है। ये देखकर वो भाग जाता है। जब अविनाश उसका पीछा करता है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर पुलिस अविनाश को पकड़ कर ले जाती है और मिस्टर बर्ट को फोन करती है। पुलिस वाला मिस्टर बर्ट को बताता है कि हमें एक कत्ल के बारे में पता चला और उससे रिलेटेड हमने एक आदमी को पकड़ा है, उसने आपका नंबर दिया। मिस्टर बर्ट कहते हैं मैं अभी आता हूँ। फिर ये बात मकसूद का आदमी मकसूद को जाकर बताता है कि आमिर मारा गया, शाहिद और नासिर भाग गए। मकसूद कहता है कि उन्हें कहो अपने अपने फोन फॉर्मेट करके डिस्पोज कर दे और अंडरग्राउंड हो जाएं। दूसरी तरफ जब मिस्टर बर्ड मार्क को पुलिस स्टेशन भेजते हैं तो वो देखता है कि राधा बख्शी पहले ही वहाँ बैठी है। वे बताते हैं कि हमें आमिर के फोन से तुम्हारी फोटो मिली है और उसकी चैट से पता चलता है कि वे तुम्हें मारने आए थे। अविनाश कहता है इसका मतलब उन्हें पता चल गया है कि मैं आलिया के पीछे हूँ। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वे उसका फोन पकड़ लेंगे और उसके फोन में तुम्हारा पैच देखकर उसे मार डालेंगे। फिर वे अविनाश को छुड़ा लेते हैं क्योंकि इसने आमिर को नहीं मारा था, बल्कि इस पर तो खुद हमला हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकसूद वाजिद समीर और मोहसिन को अपने भाई की शहीदी पर तसल्ली देता है और कहता है कि उनकी शहादत हमारे बहुत काम आई है। अगले दिन जब आलिया मोहसिन को ब्रेकफास्ट बनाकर देती है तो मोहसिन कहता है हमें बेटों की जरूरत है क्योंकि खिलाफत को सिपाही चाहिए। फिर उसके बाहर जाते ही आलिया वो वाली GIF फाइल अपने घर के सभी सदस्यों को भेज देती है। फिर उसको ओपन करते ही उन सब के फोन हैक हो जाते हैं और उनकी लोकेशन CIA को पता चल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आलिया अपनी दोस्त के साथ अपनी भाभी के बेटे को टहलाने ले जाती है। फिर वो अपने मोबाइल से आसपास की वीडियो बनाने लगती है, लेकिन घबराहट में उसका फोन नीचे गिर जाता है और उस फोन को उसकी फ्रेंड देख लेती है। उसकी दोस्त पूछती है तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया। आलिया कहती है कि हमारे फोन वापस कर दिए गए हैं क्योंकि वे लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। वो पूछती है तुमने घर पर बात की। आलिया कहती है अम्मी अपसेट थी इसलिए उन्होंने बात नहीं की। पंजाबन कहती है कि मुझे इस नर्क से बाहर निकलना है। परसों हमारी नेबर को 25 कोड़े पड़े क्योंकि वो म्यूजिक सुन रही थी। इनका मानना है कि म्यूजिक हराम है। फिर जब वे घर जाती हैं तो थोड़ी देर बाद शबाना वहाँ फोन की चेकिंग करने के लिए आती है। फिर वो पंजाबन देख लेती है कि ये दूसरा फोन है। दूसरी तरफ अविनाश अपने दोस्त विल्सन को फोन करता है और पूछता है आलिया से मिलती जुलती लड़की मिली या नहीं। वो कहता है अभी तो नहीं, लेकिन आज ऑडिशन लेने वाला हूँ। फिर फोन रखने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है जल्दी से इन्हें एक एक करके मेरे ऑफिस में भेजो। फिर वो ऑडिशन देने आई लड़कियों की प्रोफाइल आलिया के साथ मैच करके देखता है और उनसे अरबी भाषा में डायलॉग बुलवा कर देखता है जो उनको याद करने के लिए दिए गए थे। दूसरी तरफ मिस्टर बर्ट अपने सीनियर से बात करता है कि हमें हर दिन वहाँ से नया डेटा मिल रहा है, हम उसके बिहाव पर अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लड़की को बचाना है और पायलट को मारना है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हमारे ऊपर भी कुछ लोग हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा। हमारा टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिस पायलट ने US आर्मी में ट्रेनिंग ली है वो हमारे और भी राज जानता होगा, हमें सिर्फ उसे मारना है। हम उसके पूरे घर को उड़ा देंगे जब वो घर में होगा। मिस्टर बर्ट पूछते हैं उस लड़की का क्या होगा। उसका सीनियर कहता है इसे कोलेटरल डैमेज का नाम दे देना। फिर राधा बख्शी उससे पूछती है क्या हमें टीम मिली। मिस्टर बर्ट कहते हैं वो तो ड्रोन से पूरे घर को उड़ाने की बात कर रहे थे, कोई रेस्क्यू नहीं। राधा बख्शी पर्सनली इस लड़की को बचाना चाहती थी, इसलिए वो एक अननोन नंबर से अविनाश को बताती है कि वे ड्रोन अटैक करने की सोच रहे हैं, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान बी है
तो उसे इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ वो फिरंगी पंजाबन आलिया को कहती है, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो? आलिया कहती है, मेरे पास एक ही फोन है और वो भी किसी को देना अलाउड नहीं है। वो पंजाबन कहती है कि मैं इस नरक से निकलना चाहती हूँ, इंग्लैंड में मेरे लोग हैं जो मुझे बचा लेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास दो फोन है, लेकिन आलिया बात को टालकर वहाँ से चली जाती है। अब विल्सन को भी हूबहू आलिया के जैसी एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम सोनिया शाह था। किस्मत से उसे अरेबिक लैंग्वेज भी आती थी। रात को आलिया अविनाश को मैसेज करके बताती है कि शाहिद भाई और असर के बाद मोहसिन अब मुझे भी उसी तरह मिशन पर ले जाना चाहता है, प्लीज चाचू मुझे बचा लो। फिर वो उसे ब्रिटिश पंजाबी लड़की के बारे में भी बता देती है कि उसको फोन के बारे में पता चल गया है। अविनाश कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा, तुम उस लड़की को उलझा कर रखो क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लड़की को निकाल सकता हूँ। फिर वो अपनी माँ को मैसेज करती है और कहती है कि अविनाश चाचू को कहो मुझे जल्दी से निकाल ले वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। सुबह अविनाश डॉक्टर आरिफ अजमल को फोन करता है और बताता है कि CIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मुझे ही आलिया को निकालना होगा। तभी राघवेंद्र सेतु डॉक्टर आरिफ से मिलने आता है। अब की बार वो डॉक्टर से बड़े प्यार से पूछताछ करने आया था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि नौकरी जाने के बाद वो अल्कोहलिक हो गया, फिर उसकी वाइफ के हाथों एक हादसा हो गया जिसमें उसके बच्चे की जान चली गई, फिर उसकी वाइफ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसे पागलखाने भेज दिया गया। अब जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अविनाश किलिंग लाइन में चला गया। मेरे काम की वजह से मुझ पर 8 फतवे जारी हुए थे। एक दिन रात को जब मैं अपने घर गया तो अविनाश मुझे मारने आया। मैंने उसे डबल पैसे ऑफर किए, वो नशे में था लेकिन गन स्टिल मुझ पर ही पॉइंट थी। फिर मैंने उसे कहा कि मेरी जान को खतरा है, तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाओ। जिस तरह से तुमने गन पकड़ी है और जिस जगह पर तुम खड़े हो वो एक प्रोफेशनल ही हो सकता है। तुमने बहुत शराब पी रखी है लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे। मैं बचना चाहूं तो भी नहीं बच सकता, मुझे तुम्हारे ही जैसा कोई चाहिए था और फिर मैं बच गया। बाज की नजर थी उसकी। अगले 2 महीनों में मेरे ऊपर 2 बार अटैक हुए, दोनों बार अविनाश ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। फिर जैसे तैसे मैंने उसका एड्रेस पता किया और जाकर देखा तो वो नशे की हालत में गिरा पड़ा था। जब उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया तो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। जब इनायत की बेटी आलिया उससे मिलने के लिए आती थी उस दिन थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती थी। फिर जब वो थोड़ा रिकवर हुआ तो मैं उसे उसकी वाइफ के पास ले गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मैंने उसे समझाया कि खुद को सजा देने से पहले तुम्हें इसको बचाना चाहिए, शादी की थी ना तुमने इससे, तुम में इतनी गैरत तो होगी कि तुम इसका ठीक से इलाज करवा सको। फिर मेरी रिकमेंडेशन पर अविनाश इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ साइंस में गया। वहाँ उसके कुछ नए दोस्त बने, वहाँ उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई और फिर उसने ग्लोबल सिक्योरिटीज में मास्टरी की। उसके बाद उसने प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के साथ रेडिएशन पर जाना शुरू किया। फिर समय के साथ उसका नाम फ्रीलांसर पड़ गया। सेतु पूछता है, तो आजकल ये फ्रीलांसर हमारी लाइफ में क्या कर रहा है? डॉक्टर आरिफ कहता है कि इनायत की बेटी आलिया जो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाया करती थी वो आजकल सीरिया में है, अविनाश उसको ही वापस लाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अविनाश आलिया का मैसेज पढ़कर टेंशन में था। फिर वो अपने लिए एक विस्की ऑर्डर करता है। जब वो उसे पीने ही वाला था तभी उसके पास उसके दोस्त विल्सन का मैसेज आता है। वो उसे सोनिया शाह की वीडियो भेजता है। फिर अविनाश उसे फोन करके कहता है, एकदम परफेक्ट, फाइनल करो इसे। फिर विल्सन सोनिया शाह को अपने पास बुलाता है। विल्सन पूछता है, तुम्हें इतनी अच्छी अरबी कैसे आती है? वो कहती है, डैड का बिजनेस शारजाह में था, 10th तक मैं वहीं पढ़ी हूँ। फिर वो पूछती है, आप कोई रियल प्रोड्यूसर तो नहीं लग रहे, सच सच बताइए ऑडिशन क्यों लिया गया था? फिर विल्सन कहता है, एक रियल लाइफ असाइनमेंट है, तुम्हें एक करेक्टर बनकर बिजनेस क्लास में बैठकर दुबई जाना है उसी करेक्टर के पासपोर्ट पर। वहां जाकर वो पासपोर्ट तुम्हें किसी और को हैंडओवर करना होगा और फिर 3-4 दिन किसी 5-स्टार होटल में रुककर वहां खूब मौज मस्ती करना, घूमो फिरो नाचो गाओ ऐश करो और क्या। 5 दिन बाद तुम अपने पासपोर्ट से वहाँ से वापस आ जाओ। इस काम के लिए तुम्हें 25 लाख रुपए विद ऑल एक्सपेंसेस मिलेंगे। वो पूछती है, वहाँ से मुझे स्मगल करके तो नहीं लाना कोई आईफोन वगैरह? विल्सन कहता है, नहीं, बस तुम्हें वहाँ CCTV फुटेज के लिए घूमना फिरना है, दैट्स इट। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम संभाल लेंगे। फिर सोनिया समझ जाती है कि इनको मेरी जरूरत है। फिर वो 50 लाख रुपए विद ऑल एक्सपेंसेस डिमांड करती है, 75% एडवांस और खुद की पसंद का होटल और घूमने फिरने के लिए एक लग्जरी कार मांगती है। विल्सन उसे फाइनल कर देता है। दूसरी तरफ आलिया जब घर में अकेली थी तो वो अपना मोबाइल निकालती है और जो फोटोज उसने खींची थी वो अविनाश के पास भेजने लगती है। तभी कोई उसके बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। जब वो फोन छिपाकर बाहर जाकर देखती है तो उसकी फ्रेंड नबीला पंजाबन वहाँ आई थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, या तो मुझे फोन दे दो या मैं सिक्योरिटी वाली शबाना को बता दूंगी, सॉरी बट मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आलिया उसे फोन देती है या नहीं। 6th एपिसोड में हम देखते हैं नबीला आलिया को कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, वे लोग हैं,
लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। प्लीज मुझे तुम्हारा फोन दे दो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहती। अगर तुम और सोचना चाहती हो तो सोच लो, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। तभी मोहसिन की आवाज आती है, फिर नबीला वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर आरिफ अविनाश की रघुविंदर सेतु से बात करवाता है। सेतु पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम सीरिया से आलिया को निकाल लाओगे? अविनाश कहता है, लगता नहीं है, मुझे यकीन है। फिर सेतु कहता है, इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अविनाश कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स भेजूंगा, उसके बिहाफ पर तुम CIA से नेगोशिएट करोगे और कल तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगे, बाकी की डिटेल्स तुम्हें डॉक्टर से मिल जाएगी। फिर अविनाश अपने खास दोस्त गोरांग के पास फोन करता है और उसे कहता है कि हमें सीरिया चलना है। गोरांग कहता है, अच्छी पेमेंट मिलेगी तो जरूर चलेंगे, लेकिन अविनाश कहता है, इस बार मेरा पर्सनल है, एक बार सोच ले, वो सीरिया का लो लेस इलाका है। फिर गोरांग कहता है, सोचना क्या है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुझे जिंदा वापस कौन लाएगा। फिर अविनाश लिबनन में कुछ सामान एक्सपोर्ट करता है जो सुबह 4 बजे लिबनन पहुंच जाएगा। उन डिब्बों में बिना असेंबल किए हुए हथियार थे। अगले दिन राघवेंद्र सेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि एक फैमिली को इराक ले जाया गया है, लेकिन इराकी इंटेलिजेंस और इराकी डिफेंस फोर्स ने हमें भरोसा दिया है कि हम जल्दी ही उन्हें वहां से ढूंढकर इंडिया भेज देंगे। फिर अविनाश अपनी वाइफ की डॉक्टर को फोन करता है और कहता है कि आज शाम 2 घंटे के लिए मुझे उससे मिलना है, क्योंकि अविनाश खुद श्योर नहीं था कि वहां जाकर वो जिंदा वापस आ पाएगा या नहीं। फिर अविनाश के पास विल्सन का फोन आता है, वो उसे आलिया के नए पासपोर्ट की फोटो भेजता है और कहता है कि मैंने इसमें 3 साल की ट्रेवल हिस्ट्री भी डाल दी है, उसके नए नाम से बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया है, फेसबुक इंस्टाग्राम की ID बनाकर उसमें फ्रेंड्स भी ऐड कर दिए हैं और जो सिग्नेचर डाले हैं वही सिग्नेचर अब आलिया को भी मेंटेन करने होंगे। तभी उसके फोन पर राधा बख्शी का मैसेज आता है, वो बताती है कि CIA ने उस घर पर नजर रखने के लिए अपना ड्रोन भेज दिया है, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अविनाश पूछता है, मेरे पास कितना समय है? वो बताती है, सिर्फ 48 घंटे। फिर वो अपने दोस्त बज के पास फोन करता है। बज कहता है, सॉरी बॉस, मैं आज एक लड़की से मिलने आया हूँ, आज उसका बर्थडे भी है और हमारी पहली डेट है, अगर लड़की पसंद आई तो मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर उसके बाद किसी मिशन के बारे में सोचूंगा। फिर जब वो अपनी डेट को देखता है तो उसे देखकर भाग जाता है, क्योंकि उसने जवान लड़की सोची थी और इसके चुंगल में फंसने से अच्छा तो वो सीरिया के गुंडों के चुंगल में फंस जाए। पुणे से भी उसका एक दोस्त हेल्प करने के लिए चल पड़ता है। डॉक्टर कहता है, एंट्री में तो ठीक है, लेकिन एग्जिट में 4 लोगों के साथ एक लड़की और वो भी घबराई हुई, पकड़े जाओगे तुम लोग। फिर अविनाश अपनी एक पुरानी दोस्त नाडिया को फोन करता है, सारा प्लान सुनने के बाद वो भी हाँ कर देती है। फिर डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, वो तुम्हें सीरिया में एंटर और एग्जिट के पेपर बना कर देगा। तभी राघवेंद्र सेतु का इंटरव्यू मकसूद के पास पहुंचता है। मकसूद कहता है, तो इनको ये लगता है कि फैमिली इराक में है, वो इंटरव्यू इसलिए करवाया गया था ताकि इन लोगों को ये लगे कि वे गलत डायरेक्शन में अपना सिर पीट रहे हैं और ये लोग उस फैमिली को लेकर स्ट्रिक्ट ना हो। दूसरी तरफ अविनाश अपनी लॉयर को बुलाकर एक स्टेटमेंट देता है ताकि अगर इस मिशन के बाद CIA उस पर कोई एक्शन लेने की बात सोचे या किसी कारण से अविनाश वापस ना आ पाए तो लॉयर उस स्टेटमेंट को जज के सामने पेश कर दे। अविनाश अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है जिसमें वो बताता है कि मुझे US की सिक्योरिटी को लेकर एक खबर मिली थी जो कि सीरिया से थी, फिर मैंने अपने एक एसेट की हेल्प से वहां जानकारियां इकट्ठी की और CIA को दे दी। CIA ने हमें आश्वासन दिया कि मेरे एसेट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब CIA अपनी जबान से पलट गई है, अब मुझे ही उसे बचाने के लिए जाना होगा। शाम को पंजाबन आलिया से मिलने जाती है और पूछती है क्या सोचा। आलिया कहती है, मेरे पापा के एक दोस्त मुझे बचाने आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कब तक, इसलिए तुम्हें हर रोज यहाँ आना होगा और इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। नबीला खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अविनाश की वाइफ उसे मिलने आती है। फिर अविनाश उसके साथ बैठकर डिनर करता है और ढेर सारी बातें करता है। तभी उसके फोन पर राधा बख्शी का मैसेज आता है, वो बताती है कि ड्रोन उसके घर के ऊपर पहुंच गया है जो अगले 48 घंटों के अंदर कार्रवाई कर देगा। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है, सॉरी मुन्नार, मुझे जाना होगा। फिर मुन्नार कहती है, वो तो मैं तुम्हारे डिनर इनविटेशन से ही समझ गई थी, तुम्हें कहीं जाना है। फिर वे सभी लिबनन पहुंच जाते हैं। अविनाश क्रूज वाले को भी फोन कर देता है। फिर वो डॉक्टर आरिफ के बताए हुए आदमी से मिलने जाता है और कहता है कि यहाँ से 5 आदमी और 1 लेडी जाएगी और वापिस में 5 आदमी और 2 लेडीज आएंगी। वो आदमी कहता है, पागल वागल हो क्या, कौन लेडी है जो सीरिया जाने को तैयार हो गई? अविनाश कहता है, पागल ही समझो। फिर वे सभी लिबनन बॉर्डर पर इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग काफी समय बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहां पर अविनाश का भेजा हुआ सामान भी पहले से ही पहुंच गया था। फिर अविनाश उन्हें अपना सारा प्लान समझाता है। वो कहता है कि आलिया ने मुझे बताया है फ्राइडे दोपहर की नमाज सबसे लंबी होती है, करीब 45 मिनट की, उस समय पूरा गांव खाली होता है, मिशन पूरा करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। फिर गोरांग कहता है, अगर सडनली लड़की ने अपना डिसीजन बदल लिया तो, या फिर उसका प्लान कोई और जान गया तो, या फिर अपनी टाइमिंग ही फिट ना बैठी तो,
अगर लोकेशन एग्जैक्टली वही ना हुई तो, अगर प्लान का एक एक पार्ट फिक्स नहीं बैठा तो हम लोग एक कहानी बनकर रह जाएंगे। अविनाश कहता है तो चलो कहानी बनाते हैं। बॉर्डर से वो गांव 300 किलोमीटर दूर है, चले तो जाएंगे लेकिन वापस पानी के रास्ते आना होगा, हमें एक बोट चाहिए होगी। दूसरी तरफ CIA उस परिवार के सभी मेंबर्स की लोकेशन पर नजर गड़ाए हुए थी। उनका प्लान था कि जब भी वे सभी एक जगह इकट्ठे होंगे तब उन्हें मार दिया जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि ये मौका आज रात ही मिल जाएगा। अब वे सभी दोस्त सीरिया जाने के लिए अपना सामान कार में रख लेते हैं। उधर सोनिया शाह दुबई पहुंच जाती है। वो यहां आलिया के नकली नाम वाले पासपोर्ट से आई थी और चेकिंग के दौरान सेफली बचकर निकल गई। फिर एयरपोर्ट के बाहर उसे अविनाश का आदमी लेने आता है। अब से वो 5 दिन उसके ही साथ रहेगी। फिर अविनाश सोनिया को कहता है, खलील तुम्हारी केयर करेगा, डोंट वरी। फिर खलील उसे उसके मनपसंद होटल में छोड़ देता है। वहाँ रूम में जाकर वो एक सेफ खोलती है और वहाँ वो वाला पासपोर्ट रखकर अपना असली पासपोर्ट उठा लेती है। भाई लोग, किसी को दुबई से फोन मंगवाना हो तो बता देना, सोनिया को कहकर मंगवा लेंगे। रात को वे सारे भाई घर में इकट्ठा हो जाते हैं और डिनर करते हैं। उसी समय CIA को अपना टारगेट मिल जाता है। ऑपरेटर का भी दिल दुख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आलिया भी उनके साथ मारी जाए। फिर राधा बख्शी अपने सीनियर से इस मिशन को रोकने की बात करती है। उसका सीनियर कहता है कि किसी को रेस्क्यू करने के लिए खुद जाना पड़ता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमने सिर्फ एक ड्रोन भेजा है। दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ जब वे सभी दोस्त अपने हथियार तैयार कर रहे थे तब अविनाश के फोन पर राधा का मैसेज आता है। वो कहती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और ये सब अपने मिशन से 24 घंटा लेट चल रहे थे। उन तीनों भाइयों का डिनर खत्म होने से पहले ड्रोन उन्हें टारगेट पर ले लेता है। वे सब अपनी स्क्रीन पर ये सब लाइव देख रहे थे। फिर वे अपनी बाकी टीम को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब ड्रोन धीरे धीरे उस घर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ अविनाश किसी से इस मिशन को रुकवाने के लिए बात कर रहा था, तभी ड्रोन टारगेट लॉक कर देता है और यहीं पर 6th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं अविनाश राघविंदर सेतु से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैंने CIA के खिलाफ डिक्लेरेशन फाइल की है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, उनसे बात करो और रोको उनको। CIA वाले ट्रिगर दबाने ही वाले थे तभी मिस्टर बर्ड के पास फोन आता है और वो अपनी टीम को रुकने के लिए कहता है। सेतु मिस्टर बर्ड को बताता है कि अविनाश ने तुम्हें वहाँ की जो भी जानकारी दी है वो बहुत कम है। अगर तुमने इस मिशन को नहीं रोका तो अविनाश तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत जो तुमने इल्लीगली उससे काम करवाए हैं सार्वजनिक कर देगा, और इस काम के बाद तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो भी बहुत कम है। इसलिए अविनाश चाहता है कि आप सिर्फ 1 दिन के लिए रुक जाइए। फिर मिस्टर बर्ड अपनी टीम को मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है। फिर राधा अविनाश को मैसेज करके बताती है कुछ समय के लिए मिशन अबॉर्ट कर दिया गया है। अविनाश उसे थैंक यू कहता है, लेकिन अविनाश को ये नहीं पता था कि उसकी हेल्प राधा नहीं बल्कि मार्क कर रहा था। तभी आधी रात को आलिया अविनाश के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। फिर वो वापस रूम में जाकर अपना फोन रखकर सो जाती है, लेकिन उसका शोहर सोने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से उठती है और फोन ले जाकर फिर से ट्राई करती है। अब की बार अविनाश फोन उठा लेता है। अविनाश कहता है, दोपहर को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ ना हो, और वो ब्रिटिश लड़की आए तो तुम्हें पता है क्या करना है। फिर जब बात करने के बाद वो बाथरूम से बाहर जाती है तो उसका शोहर उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है, बार बार उठकर बाथरूम में क्यों जा रही हो। आलिया कहती है, तबीयत ठीक नहीं है, वोमिटिंग आने का मन हो रहा है। फिर जब वो फोन रखती है तो उसका शोहर पूछता है कि अब क्या कर रही हो। आलिया कहती है, मेडिसिन ले रही हूँ, और उसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन सुबह अविनाश और उसके साथी अपने मिशन पर निकलने की तैयारी करते हैं। वे पिकअप ट्रक में कुछ भेड़ बकरियां भर लेते हैं और सीरिया की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा, जिंदा लौटकर आएंगे भी या नहीं। उधर आलिया आज अपनी भाभी को कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बच्चे को अपने साथ ही ले जाइए। उसकी भाभी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। उधर वे सभी लेबनान सीरिया बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां उन सबके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। बिना कोई शक हुए वे वहां से निकल जाते हैं। अब दायर अज-जावर से 50 किलोमीटर पहले उनको फिर से चेकिंग के लिए रोका जाता है, लेकिन इस बार बॉडी लैंग्वेज से अविनाश को खतरा महसूस होता है। फिर वो सबको पोजीशन लेने के लिए कहता है। वे सभी अपना अपना टारगेट पहले से ही तय कर लेते हैं और एक ही झटके में एक साथ सभी को ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी तरफ नबीला एक बड़ा सा बैग लेकर आलिया के पास जाती है। फिर उनके घर के बाहर पहरा दे रहा आदमी मकसूद को बताता है कि वो ब्रिटिश गर्ल एक बड़ा सा बैग लेकर और रनिंग शूज पहनकर आलिया के पास गई है। फिर आलिया उसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, अब तक कईयों को तुम पर शक हो गया होगा। वो कहती है, मैं मेरा जरूरी सामान यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर आलिया उसे अंदर ले जाती है। फिर अविनाश अपने लिए वहाँ 2 तेज चलने वाली गाड़ियाँ मंगवाता है और आलिया को फोन करके कहता है रेडी रहना।
फिर आलिया चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर नबीला को दे देती है। दूसरी तरफ मकसूद मोहसिन के पास जाता है और कहता है कि वो ब्रिटिश लड़की एक बड़ा सा बैग लेकर तुम्हारे घर गई है, क्या मामला है? मोहसिन कहता है कि वो मेरे भाई के बच्चे को संभालने आती है। मकसूद कहता है मैं देखता हूँ। फिर मकसूद मोहसिन के घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। तभी अजान का समय शुरू हो जाता है। सब लोग मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो जाता है। फिर अविनाश और उसके साथी उस गांव से पहले अपनी कार को साइड में पार्क कर देते हैं, क्योंकि गांव शुरू होने से पहले एक ऊंची सी जगह पर दो लोग पहरा दे रहे थे। फिर अविनाश अपने दो साथियों को पैदल ही उनके पास भेजता है। वे छुपते छुपाते उन तक पहुंच जाते हैं और घात लगाकर उन दोनों को मार देते हैं। अब दोनों तरफ रास्ता क्लियर था। दूसरी तरफ मोहसिन अपनी पत्नी आलिया को फोन करता है, लेकिन फोन उठाने से पहले ही नबीला उस पर टूट पड़ती है और कहती है मैंने तुम्हें चाय में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। वो आलिया से ताकतवर थी, इसलिए वो आलिया को पीट देती है। अब अविनाश और उसके साथी गांव में एंटर कर जाते हैं। फिर वे उनके घर से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ियां रोक देते हैं और पैदल ही वहां जाने लगते हैं। फिर वे छुपते छुपाते चुपके से उनके घर के पास पहुंच जाते हैं। गांव अब भी पूरी तरह से खाली था। फिर वे घर की एंट्री तक पहुंच जाते हैं और एक ही समय पर वहां पहरा दे रहे सिपाहियों को मार देते हैं। फिर अविनाश दरवाजा खटखटाकर आलिया को आवाज देता है। अंदर से नबीला बाहर आती है। अविनाश उसको आलिया समझ लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। गाँव के लोग अब भी मस्जिद में ही थे। फिर वे सभी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अविनाश पूछता है आलिया तुम ठीक हो? नबीला गर्दन हिलाकर अपना जवाब देती है। फिर अविनाश राघवेंद्र सेतु को फोन करके कहता है कि हमने आलिया को वहां से निकाल लिया है, CIA को जो भी करना है करे। CIA वाले कंप्यूटर में देखते हैं कि मोहसिन और समीर घर की तरफ ही जा रहे हैं। मिस्टर बर्ट कहते हैं कि घर पहुंचते ही उन्हें उड़ा देना। कुछ दूर जाकर चेक पॉइंट आता है। अविनाश कहता है ये चेक पॉइंट नहीं है, मूविंग पेट्रोल वाले हैं। अविनाश कहता है हमें किस बात का डर है, हम सबके पास अपने अपने पासपोर्ट हैं। फिर वे उनके पास गाड़ियां रोक लेते हैं। फिर वे लोग वहां आकर उनके पासपोर्ट मांगते हैं। जब वे पासपोर्ट और पेपर्स चेक कर रहे थे तभी वहां पर अल खानसा ब्रिगेड वाली शबाना आ जाती है। वो आलिया और नबीला दोनों को ही पहचानती थी। जब उसकी नजर इन पर पड़ती है तो वो खुद लेडीज को चेक करने के लिए आती है। वो लेडीज को कहती है कि पासपोर्ट दिखाओ। फिर जब वो आलिया का पासपोर्ट देखती है तो कहती है कि मैं इसको जानती हूँ, इसका नाम चेंज किया गया है। नबीला डर जाती है और गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। तभी वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी में नबीला भी मारी जाती है और शबाना भी, और मूविंग पेट्रोल वाले भी मारे जाते हैं। जब अविनाश उसका चेहरा देखता है तो कहता है ये आलिया नहीं है। दरअसल आलिया को तो नबीला ने बांधकर घर पर ही छोड़ दिया था और उसकी जगह खुद आ गई थी। अविनाश कहता है हमें वापस जाना होगा। गोरांग कहता है अब वहां जाना मौत को दावत देना है। अविनाश कहता है मैं वहां जाऊंगा, अगर 15 मिनट में वापस ना लौटूं तो तुम लोग वापस चले जाना। फिर नाडिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उधर CIA का ड्रोन फिर से उस घर की तरफ जा रहा था। समीर और मोहसिन अब भी घर के रास्ते में थे। तभी अविनाश और नाडिया फिर से वहीं पर गाड़ी रोकते हैं और भागकर आलिया को लेने जाते हैं। वे सीधा उस घर में घुस जाते हैं और उसका रूम चेक करते हैं। आलिया के हाथ पैर बांधकर उसे एक स्टोर में बंद कर रखा था। फिर वे उसके हाथ पैर खोलकर उसे ले जाने लगते हैं। तभी सामने से मोहसिन और समीर आ जाते हैं। फिर इससे पहले कि वो कुछ करते अविनाश दोनों की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर वे भागकर कार के पास जाने लगते हैं। तभी वहां से जाते हुए एक औरत उनका वीडियो बना लेती है। तभी वे देखते हैं कि अजान खत्म हो चुकी है और लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। फिर वे आराम से पैदल चलकर उनको क्रॉस करते हैं। किसी को भी उन पर शक नहीं होता। फिर उन्हें क्रॉस करते ही दोबारा भागकर आगे बढ़ते हैं। इतने में वो ड्रोन उस घर पर टारगेट लॉक कर देता है और ट्रिगर दबा दिया जाता है। अब विस्फोट होने के बाद CIA वाले बहुत खुश होते हैं। वाह वाह वाह, हमने समीर और उसकी फैमिली को मार दिया। लेकिन जिनको मारना था अविनाश पहले ही मार चुका था। फिर वे जैसे ही मेन रोड पर पहुंचते हैं उनके साथ ही उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब सब लोग खुशी मनाते हैं। आलिया भी अब चैन की सांस ले रही थी। उधर मकसूद जब मौकाए वारदात पर पहुंचता है तो समझ नहीं पाता यहाँ आखिर हुआ क्या है। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि सभी चेक पोस्ट और बाहर निकलने के रास्तों पर अलर्ट जारी कर दो। फिर अविनाश नाडिया और आलिया को लेकर दूसरे रास्ते मुड़ जाता है और उसके चार दोस्त सीधा ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको हर मुश्किल से मुश्किल हालातों से लड़ना आता था अगर जरूरत पड़ी तो, और वैसे उनके पास पासपोर्ट था ही। फिर अविनाश अपनी गाड़ी को बीच पर ले जाता है। फिर वो बोट वाले को इशारा करके कंफर्मेशन लेता है ये उसी का आदमी है या नहीं। फिर वो अपने कपड़े निकालकर उसमें आग लगा देता है और फिर वे तीनों बोट की तरफ जाने लगते हैं। बोट वाला उन्हें बोट पर बिठाकर वहां से दूर ले जाने लगता है, लेकिन इनको जाना था दुबई, जो ये इस बोट में नहीं जा सकते थे। उसके लिए अविनाश ने एक क्रूज बुक कर रखा था। फिर बोट वाला उन्हें क्रूज तक पहुंचा देता है। फिर वे सभी क्रूज में चढ़ जाते हैं। अब लगभग सब कुछ ठीक हो गया था। अब अविनाश आलिया की बात उसकी माँ से करवाती है। आलिया कहती है चाचू मुझे निकाल कर ले आए माँ। फिर आलिया रोती हुई कहती है अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। फिर उसकी माँ कहती है बेटा कुछ वक्त तक तुम्हारी किसी से भी बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समय बीत जाने पर मैं भी तुम्हारे साथ नई जगह तुम्हारे
नए नाम के साथ रहूंगी। फिर अविनाश फोन ले लेता है और सबीना भाभी को कहता है, आप चिंता मत करो, वो मुझसे भी ज्यादा सेफ रहेगी। अगले दिन वे दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। सोनिया शाह अविनाश के पास से गुजरती है, फिर वो आलिया को इशारा करता है। आलिया सोनिया के पीछे पीछे जाती है। सोनिया टॉयलेट में जाती है, उसके पीछे पीछे आलिया भी टॉयलेट में चली जाती है। तभी सोनिया अपना गेटअप चेंज करके आलिया के पास जाती है और हूबहू अपने जैसी लड़की देखकर चौंक जाती है। फिर वो सोनिया को चेंज करने के लिए कपड़े देती है और वहां से चली जाती है। अब आलिया कपड़े चेंज करके बिल्कुल सोनिया के जैसे लगने लगी थी। आलिया की पॉकेट में उसका पासपोर्ट भी था। फिर सोनिया इंडिया जाने वाली फ्लाइट की तरफ जाने लगती है। जब आलिया अपना पासपोर्ट चेक करती है तो उसे अपने नए नाम के बारे में पता चलता है। आलिया अब से रुखसार अहमद के नाम से जिंदगी बिताएगी, क्योंकि आलिया खान तो सीरिया के उस घर में बम धमाके में ही मारी गई। तभी पेरिस जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही रुखसार अहमद वो फ्लाइट पकड़ने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे अविनाश भी जाने लगता है। इस मिशन पर जितना भी खर्च आया वो सब अविनाश ने अपनी जेब से किया था। एंड में हम देखते हैं कि मकसूद जब उस औरत की शूट की हुई वीडियो खलीफा को दिखाता है तो खलीफा कहता है कि अल हिंदवी ब्रिगेड हार गई और एक फ्रीलांसर जीत गया, सभी को चौकन्ना कर दो और परिवार के बचे हुए लोगों को महफूज जगह ले जाओ। ये बात जब फरद खाला को पता चलती है तो उसको अपनी जान की पड़ाती है। फिर वो अपना पासपोर्ट लेकर इंडिया को छोड़ने का फैसला करती है। मिस्टर बर्ड भी राघवेंद्र सेतु से बाकी के सबूत मांगता है। सेतु कहता है, जितने सबूत थे अविनाश आपको पहले ही दे चुका है, भूल जाओ अब इस मिशन को और अविनाश को। अब अविनाश ने फिर से अपनी जगह बदल ली थी और अपनी वाइफ को भी वहां ले गया था। दोस्तों कैसी लगी ये वेब सीरीज कमेंट करके जरूर बताना। पूरी डिटेलिंग में मुझे एक हफ्ता लग गया, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कमी मत आने देना। अगर आपका साथ रहा तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।